आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके Realme फ़ोन में कॉल आता है और कॉल आपके फ़ोन की डिस्प्ले या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन पे शो नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आकर आपको मिलेगा ये ऐप्स, तो ऐप्स पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर आपको मिलेगा फ़ोन या फिर आपके मोबाइल का डायलर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये फ़ोन के नाम से, तो ये आपको मिलेगा फ़ोन, फ़ोन पर क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा ये फोर्स स्टॉप, इस पर क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप करिए, उसके बाद नीचे स्टोरेज यूसेज आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब ये क्लियर कैशे पे क्लिक करिए, उसके बाद ऊपर क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। डिलीट आएगा, डिलीट पे क्लिक करिए। और ये करने से कोई आपका फ़ोन का डेटा या फिर कोई कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आइए। उसके बाद मैनेज नोटिफिकेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा अलाउ नोटिफिकेशन या फिर शो नोटिफिकेशन, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब इसे ऑन करने के बाद बैक आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे बैक आने के बाद चेक करिए, अब आपका Realme फ़ोन में कॉल फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स में नीचे आइए। नीचे आकर आपको मिलेगा ये एडिशनल सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आकर बैकअप एंड रीसेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ये रीसेट फ़ोन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे नीचे रीसेट ऑल सेटिंग्स आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। और ये करने से कोई आपका फ़ोन का डेटा या फिर आपके फ़ोन से कुछ डिलीट नहीं होता है। ये करने से बस आपके फ़ोन की ओनली सेटिंग्स रीसेट होती है, कोई डेटा फ़ोटो वीडियो कुछ डिलीट या फिर कुछ रीसेट नहीं होगा। तो रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करिए। हमने इसे पहले से कर लिया है तो इसे बैक करेंगे, बट आप रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए और फ़ोन की सेटिंग्स रीसेट करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाइए। उसके बाद अब चेक करिए, आपके Realme फ़ोन में इनकमिंग कॉल फुल स्क्रीन या फिर फुल डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।